बाई पोर्ट स्कीम में 62,000 रुपए का निवेश करने पर साल भर में 1,17,000 रुपए लौटाने का झांसा देकर 4.5 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय अपराधियों को आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है। मामला दर्ज होने के करीब 5 साल बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों में संजय रतन सिंह भाटी, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश निवासी, राजेश भारद्वाज, शंकर लाल शर्मा खुर्जा बुलंदशहर निवासी तथा करण पाल सिंह, केहर सिंह मेरठ उत्तर प्रदेश निवासी है। आरोपी पेशेवर अपराधी है। वह काफी समय से धोखाधड़ी में लिप्त है और झांसा देकर लोगों को फंसाते हैं। उन्होंने 2018 में कोतवाली थाने के तहत अपने कार्यालय में गर्वित इनोवेटिव प्रोटर लिमिटेड आरंभ किया और वहां से लोगों को फंसाने लगे। लोगों को बाइक पोर्ट स्कीम की जानकारी देती थी। इस योजना के तहत मुंबई गोवा में समुद्र पर मोटर बाइक किराए पर देना बताया जाता था। एक मोटर बाइक में 62,100 रुपए का निवेश करने पर एक साल तक हर माह 9,765 रुपए का मुनाफा दिया जाना बताया जाता था। आरंभ में निवेशकों को मुनाफा दिया गया, जिससे लोगों को आरोपियों पर भरोसा हो गया। प्रॉपर्टी डीलर रमेश वराटे, उनके परिजन और मित्रों सहित 45 लोगों ने 170 मोटर बाइक में 1,05,57,000 रुपए का निवेश किया है। इसमें से उन्हें महज 20,17,000 रुपए लौटाए गए। अल्प समय में ही आरोपियों के पास 211 निवेशकों ने 300 से अधिक मोटर बाइक में निवेश किया है। आरोपियों ने जनवरी 2019 में निवेशकों को मुनाफा मिलना आरंभ होना बताया था और मुनाफा नहीं मिलने पर निवेशकों ने पूछताछ की। उन्होंने तकनीकी गड़बड़ी बताते हुए इंतजार करने को कहा। इसी बीच लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई और बाद में निवेशकों को आरोपियों सहित 12 लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में धोखाधड़ी का मामला दर्ज होने का पता चला। पीड़ितों ने कोतवाली थाने में भी शिकायत की और पुलिस ने मामला दर्ज कर प्रकरण आर्थिक शाखा को भेज दिया। इसके बाद से आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया था। इस वजह से पीड़ितों को भी न्याय नहीं मिल पा रहा था। आरोपियों को राजस्थान पुलिस ने भी गिरफ्तार किया था। आर्थिक शाखा पुलिस की एक टीम ने उन्हें राजस्थान के भरतपुर से हिरासत में लिया है। उन्हें 7 दिनों की हिरासत में लिया गया है। ये कार्यवाही डीसीपी अजीत चांडक के मार्गदर्शन में एपीआई रिजवान शेख, कर्मचारी भगवान बुधवान, प्रदीप वालके, उपेंद्र ताड़े, सुषमा जाम्बुलकर, अजय घाटोड़े, राहुल ठाकुर तथा विलास इंगड़े ने की। एक 2019 साली एक बाइक बोट अशी एक बाइक बोट ची एक स्कीम स्थापन करण्यात आली होती। हे देशामध्ये खूप एक कॉमन स्कीम होती। त्याच्यामध्ये खूप इन्व्हेस्टर्सनी पैसे इन्व्हेस्ट केले होते। नागपूरमध्ये रमेश वराडे कंप्लेंट म्हणून यांनी एक तक्रार दिली होती की हे स्कीम मध्ये त्यांची आर्थिक फसवणूक झालेली आहे। ही स्कीम मध्ये जे असे स्कीम होती याच्यामध्ये असा होता की तुम्ही 60,000 रुपये वगैरे महिन्यात इन्व्हेस्ट करा बाइक बॉट मध्ये। हे बाइक हे टॅक्सी सर्व्हिस म्हणून होती, टू व्हीलर टॅक्सी, आणि त्याच्यामध्ये 4,000 किंवा 5,000 मुनाफा भेटतील महिन्यामध्ये। तर नंतर हे स्कीम काही चालली नाही आणि लोकांची फसवणूक झाली। तर गुन्हा इथे नागपूरमध्ये कोतवाली पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल करण्यात आला 2010/2019 FIR नंबर, विविध आयपीसीचे सेक्शन याच्यामध्ये लावले होते। आणि टोटल इन्व्हेस्टर्स आता नागपूरचे याच्यामध्ये 211 आहे आणि टोटल जे फसवणूकची अमाऊंट आहे ते बहुतेक 4.5 कोटीचे जवळपास आहे। याच्यामध्ये जे मुख्य आरोपी आहे हे संजय भाटी आहे। हे मास्टरमाइंड आहे, गौतम बुद्ध नगरचा रहिवासी आहे, यूपीचा। संजय भाटी वर मोर दॅन आता 150 केसेस देशात दाखल आहे। ईडीनी पण याच्यामध्ये दखल घेतलेली आहे आणि 200-300 कोटीची प्रॉपर्टी ज्याची जप्त आहे। आणि आम्ही इथे यांचा पंजाब नॅशनल बँकचे जे अकाउंट होते त्याच्यामध्ये 2 कोटी आम्ही इथे फ्रीज केलेले आहे। आणि आता भरतपूर राजस्थान कडून 3 आरोपी आम्ही घेऊन आलेले आहे, संजय भाटी, राजेश शर्मा आणि करणपाल सिंग। आणि आता पुढील तपास याच्यामध्ये सुरू आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।